ये हो ना ट्रेलर जिसे कहते हैं कमाल है, कमाल है, कमाल है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 11 तारीख को सब जगह सिर्फ यही तहलका मचने वाला है, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। तो चलिए जी, ज्यादा देर नहीं करते हैं, हमारे तारा सिंह और सकीना को बुलाते हैं एक बार जोरदार, जितने भी फैन क्लब यहाँ मौजूद हैं। और सनीपा जी, बताना चाहूंगा आपको कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से सब मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ एकत्रित हैं, वाकई बहुत गर्व और खुशी की बात है। आप सबको ढेर सारा प्यार। वो तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है और दामाद है पाकिस्तान का, भूलिएगा मत। सनीपा जी, देख रहा हूं मैं, बड़े गौर से आप वो पंप को देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे, क्या कुछ होने वाला है फिर से? पहले मैं आप सबको बहुत बहुत आपका थैंक यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे कहा कि हो ही रही है बारिश, इतनी ढेर सारी बारिश हो रही है और इतने सारों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहले डर लग रहा था शायद आज कहीं कल ना हो जाए, लेकिन मेरे को पता चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे कोने से आए हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और बाकी जो मेरे फैंस हैं, बल्ले बल्ले थोड़ी। सनी भाई, जब पहली बार बताया गया, जब अनिल जी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आपके नम हो गई थी आँखें, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए? और अनिल जी को, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है अनिल जी कई बार आपको अलग अलग तरीके से बोल चुके थे कि यार कुछ करना है, तो क्या हुआ, वो क्या मोमेंट था वो? देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था, और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी, अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने, और ये तभी होगा जब आप लोगों को फिल्म पसंद आएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी, जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में, नहीं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए, बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है, और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। क्या बात है अमीशा, 22 साल के बाद आप तो वैसी के वैसी हैं जैसे अनिल शर्मा जी बता रहे थे, है ना, उत्कर्ष जी के बारे में बताया गया, तो क्या क्या चेंजेस था, क्योंकि वो कहानी अलग थी, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है, तो क्या क्या अंतर आ गया है? एक्चुअली जो सवालें की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया था सबका, सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट कोस्टार ऑफ माइंड सानी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, जी जी, तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियां थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने माने हस्तियां, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी, अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी, ऋतिक के साथ दो दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यार है और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करा किया था और कहो ना प्यार रिलीज नहीं हुई थी, तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड
मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ. एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज़ ब्रिलियंट. एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी, तो मुझे हाँ करना ही था. यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूं, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊं एक माँ. उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे. और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था. हैं? और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात. और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी. जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी, हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ year boy. मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है. अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर, माई फैबुलस मेकअप टीम, जयवन जी, पूजा जी एंड ग्रॉकी हु वर्क्ड ऑन माई कॉस्ट्यूम्स. हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को. और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, आई गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम अनिल जी सेइंग माई प्रेशियस सकीना इज बैक. क्या बात, सनी जी कम बातें करते हैं, मुझे मेकअप करना पड़ता है. आई नो, मैं देख रहा हूँ. आपने बोला ना कि आपको मालूम है बकबक करती हूँ ज्यादा. अनिल जी बोलिए. अनिल जी देखिए, अभी तो ये जैसे सकीना जी ने आपकी इतनी तारीफ कर दी जी, मतलब क्या बात है, नसीब वाले भाई आप. अब हैं, बिल्कुल हैं, अब इनके संग काम करके आदमी नसीब वाला हो ही जाता है. दो नसीब, एक तो सुमन जी का आशीर्वाद इनके साथ बना हुआ है, इनकी धर्मपत्नी का है ना, वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में. वो तो ट्रैफिक में फंसी हुई है, पहुंची नहीं पाई सर. आशीर्वाद पहुंच गया ना, नसीब समझो. ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आशीर्वाद पहुंच जाए बीवी का बस. हाँ. है ना, मुझे बात बताइए कि देखिए 22 साल पहले फिल्म आई थी, आज के नए यंगस्टर्स आ गए हैं, उनको कनेक्ट करना जी, ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक काम हो गया है. क्योंकि उस कहानी को जो प्रेम कथा थी एक नई कहानी के रूप में लेके आना, ये कैसे आपने मैनेज किया? देखो क्या है, वक्त बदलता है लेकिन दिल वही रहता है जी. इंसान अंदर से वही रहता है. माता पिता माता पिता रहते हैं, पुत्र पुत्र रहता है, पत्नी पत्नी रहती है, इमोशन सेम रहते हैं. वक्त के साथ सिर्फ लिबास बदलता है और कुछ नहीं बदलता. थोड़ी सी टेक्निक शूट करने के तरीके बदल सकते हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलता. तो गदर 2 जो थी, गदर 1 जो थी, तारा सकीना और जीते की कहानी थी और उस कहानी को आगे बढ़ाना था, तारा सकीना की उस कहानी को, उस परिवार की कहानी को. तो वो बहुत आसान था, आसान मतलब आसान आज लग रहा है मुझे, वैसे 22 साल लग गए कहानी खोजने में, लेकिन आज लग रहा है बहुत आसान था कि भाई तारा सकीना और उनका बेटा, उस कथा को हम कैसे आगे लेके जाएं. और 22 साल इत्तेफाक से गुजर ही चुके थे, 20-22 साल गुजर ही चुके थे, तो वो अपने आप ही एक कहानी बन रही थी. वो 1947 था, 1971 आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई तो बन गई. और क्या, जो उसका इमोशन है, इमोशन कनेक्ट करता है, इसीलिए मुझे मालूम था कि इमोशन कनेक्ट करेगा. वक्त बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुगले आज़म आज भी कमाल लगती है. गदर 1 अभी भी रिलीज़ की हम लोगों ने, देखो क्या इसी थिएटर में, यहाँ मैंने इतनी तालियाँ सीटियाँ बनती थोड़ी, और सारे यंगस्टर्स देख रहे थे. तो ऐसा कुछ नहीं है, इमोशन सेम रहता है. गॉन विद द विंड आज भी कमाल है, गॉडफादर आज भी कमाल है, टाइटनिक आज भी कमाल है. तो जो कमाल है सो कमाल है, गदर आज भी वैसी है, शोले आज भी वैसे ही है. क्या बात है, और गदर 2 भी ऐसी रहने वाली है अगले 25 साल और. जी बस, पब्लिक का और आप सबका प्यार मोहब्बत चाहिए. हमने कोशिश की है, ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही. वैसे कैसा लगा ट्रेलर आपको? मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए यहाँ पे, देख रहा हूँ मैं तो. बस आप लोगों जिंदाबाद रखे रहो हिंदुस्तान को. बस पब्लिक भारत की जिंदाबाद है, जब तक तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है. शारिक पटेल साहब इस समय हमारे साथ में है, प्लीज आइए. क्योंकि ये फिल्म बनाना बड़ी चीज होती है, लेकिन फिल्म के बाद उसको रिलीज करना, उसके साथ जो इकोनॉमिक्स जुड़ा होता है वो बहुत ही कमाल. अलका जी नमस्कार. जी जी शारिक भाई,
इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए थोड़ा सा, मतलब ये फिल्म इतनी बड़ी है कि अब पूरा हिंदुस्तान तो हिलने वाला ही 11 तारीख को, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, कहां कहां कैसे कैसे फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्या होने वाला है? वी विल बी इन एक्सेस ऑफ 4000 स्क्रीन्स अक्रॉस आई थिंक 60 कंट्रीज, मे बी विमो भूमिका यहां पर बैठी हुई है वो आई थिंक 5000 यहाँ पर बोली लग रही है 6000 चलिए 100 देश नहीं तो बहुत ही मतलब बहुत डिमांड बहुत पुल है एट द ग्राउंड लेवल. बहुत सारे सिंगल स्क्रीन ओनर्स आई थिंक लॉट ऑफ बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स लग रहा है वापस खुलेंगे थैंक्स टू गदर टू. तो टच वुड फिंगर्स क्रॉस बहुत ही डिमांड है बहुत ही एंटिसिपेशन है. भूमिका पिछले एक महीने से बोल रही है कि प्लीज़ ट्रेलर लाओ मैं जल्दी और बेचूँ उसको और ये करूँ. तो लकली आज आ गया है, आज एकदम शुभ दिवस है कारगिल दिवस. तो आज के दिन से इफेक्टिवली हमारा कैंपेन फुल एकदम फिफ्थ गियर में चला गया है. जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शरीफ भाई आपकी फिल्म में एक ऐसा होनहार कलाकार जिसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही शांत रहता है लेकिन उतना ही पोटेंशियल है और उतना ही अंदर से ज्वालामुखी है. शब्द याद रखिएगा ज्वालामुखी पूरी तरह से मतलब, और मैं उसको एकदम बचपन से जानता हूँ और पहली नौकरी मेरे साथ की थी उसने लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस इसमें देखा हमने ट्रेलर में और मैंने कुछ देखे, मैं शूट में भी मौजूद था, लखनऊ में गया था, सनी भाई वहाँ मौजूद थे. इस कलाकार ने जो कमाल किया है जितना तारीफ उतना कम है, तो मैं चाहूंगा उसके स्टेज में बुला ली जाए. गुरुजी, उत्कर्ष की मैं इसलिए इतनी सारी बातें बोली मैंने, सीरियसली मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में अब अगर कोई नेक्स्ट सुपरस्टार आने वाला है वो उत्कर्ष शर्मा होने वाला है. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. इतना हम्बल इतना सिंपल होने के बावजूद भी आपने देखा होगा जो पोटेंशियल जो मैंने आज देखा, मैं पूरा अभी पहली बार देखा मैंने ट्रेलर, वाकई काबिल तारीफ है. उत्कर्ष इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है. अमीषा जी हैं जी, सनी बाजी हैं, तो यार एक बात बताओ ये ऑफ स्क्रीन डैड और ऑन स्क्रीन डैड है ना, दो लोग यहाँ पे हैं, दोनों लेजेंड हैं, दोनों ने अपने अपनी तरफ से ज्ञान दिया होगा, अपनी अपनी तरफ से बातें की होगी, इन दोनों के साथ काम करना कैसा लगा आपको? नहीं मान रहे से बताइए. दिल से कहूँ तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब इतनी बारिश में इतने टफ सिचुएशन में भी यहाँ पे मौजूद हैं. एंड जहाँ तक ऑन स्क्रीन फादर एंड ऑफ स्क्रीन फादर की बात है तो भाई इनके जो डिस्कशन होते थे मैं इन दोनों को ही छोड़ देता था क्योंकि आपसे ही सीखा है गुरुजी कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दो बाकी सबको मत सुनो. सो बट ऑफ कोर्स सनी सर के साथ काम करना मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज जब आपके सामने, मैं क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, जब आपके सामने सचिन तेंदुलकर होता है तो आप थोड़े राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल लो तो चलता है. बिल्कुल. बट वो आपको राहुल द्रविड़ को भी सहवाग बना देते हैं. तो सनी सर की ये पावर है, उनका ये एक बहुत ही फादरली लव भी था मेरे लिए जो ऑफ स्क्रीन भी वो मेरे को गाइड करते रहते थे. एंड अमीषा जी ऑल्सो, जब मेरी टांग टूटी हुई थी डांस करना था अमीषा जी के साथ, वो बार बार इतना कंसर्न था उनका उस टाइम. And she used to always motivate me ki, so what? You give your best. Kya baat? To, I think dono ka yogdaan hai. Off-screen father ko to aap jante hi hai. Wo to 24/7 director hi rehte hai. To har time kehte hai, focus on your scene. To hum bhai focus hi kar rahe hai. Hopefully, sab focus mein aa gaya ho. Bhai, focus mein aaya ki nahi aaya? Ek baar zor taali bhi chahiye. Thriller ke liye. Aur bata do, Anil ji. आप जैसे डायरेक्टर ने कितने सारे कलाकारों को, मतलब मैं अगर नाम लूँ तो इतनी सारी हीरोइनों को इंट्रोड्यूस किया आपने. मैं एक दिन लिस्ट देख रहा था, मैं रेडियो में बोलने जा रहा था, मैंने कहा जरा देखो तो उसे आपने कितनी सारी, जैसे ऋषि कपूर साहब का रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया है पहली बार, आपने ऐसे बहुत सारी हीरोइनों के साथ पहली बार काम किया है और इस बार जो आप हीरोइन लेके आए हैं वाकई वो तो मतलब आपने देखी, खूबसूरती में देख लीजिए, परफॉर्मेंस में देख लीजिए. तो मैं चाहूँगा उनके बारे में कुछ बताएं, उन्हें स्टेज में बुलाएं. जब गदर 2 के लिए हम एक पाकिस्तानी एक लड़की हम सेलेक्ट कर रहे थे तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था. बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम सकीना को वहाँ दिखा चुके थे पहली फिल्म में. अब सकीना जैसी लड़की तो संसार में दूसरी मिल नहीं सकती. ये जो अमीषा पटेल जी ने जो किया वो तो इम्पॉसिबल था. और मैं 400-500 लड़कियाँ बेचारी आती रहीं और सब अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सकीना ढूंढ रहा था कहाँ मिलती, मुझे मिल ही नहीं सकती थी. फिर फाइनली
अच्छा मैं शूटिंग कर रहा था पालनपुर में, वहाँ भी स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे, वहाँ भी हो रहा था। फिर मुकेश चावड़ा जी ने एक दिन एक बोला, एक पंजाबी लड़की है, भेजता हूँ आप, सकीना ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक लड़की है जो मुस्लिम लगती है और पंजाबन है और पाकिस्तानी लगती है, बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ जो लगेगी। तो ये आई मुझे मिलने, तो मैं इतना बिजी था, रात भर गाना चल रहा था, ये वो सब था, तो मैंने कहा ये दो दिन तक बेचारी रही और मैं इससे मिल भी नहीं पाया। सेट पे एक आध मिनट मिला, पाँच मिनट मिला, इनकी माँ आती थी, ये आती थी, माँ के मैं एक्सप्रेशन देखता था, मुझे लगता था यार ये अभी गदर जैसी फिल्म के लिए आ रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होगी होगी, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने एक शाम हनीश को बोला, यार हनीश ये इनको जाना है, रात की फ्लाइट है इनकी, पालमपुर से निकलना है, और तू एक काम कर, उत्कर्ष को बोला तू एक तू जाके एक ये वाला सीन है जरा इसके साथ कर ले, मोबाइल से शूट कर ले यार, मेरे को कोई ये देखता हूँ मैं क्या है, मैं बम्बई जाके डिसीजन लूँगा। तो उत्कर्ष भी बोला, अरे अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे टांग में भी दर्द है, ये वो सब। मैंने कहा बेटा जा कर ले, अभी कोई फैमिली आई हुई है दो दिन से तो अच्छा नहीं लगता, और मेरे भी उन दिनों पाँव में तकलीफ हो गई थी, कुछ हो ही गया था। तो मैंने कहा, वो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट चल रहा था, तो ये उत्कर्ष बाबू गए और हनीश गए और इन्होंने एक सीन इस लड़की को दिया, उसी वक्त किया, उसी वक्त ये सीन करके आए, आ गए, मैंने पूछा भी नहीं। दूसरे दिन सुबह मैंने कहा, यार वो बच्ची तो चली गई, लड़की तो चली गई, जरा उसका सीन दिखा मोबाइल पे। मैंने कहा है कैसी, बोले पापा परफॉर्मर अच्छी है। तो मैंने देखा ऐसे मोबाइल पे, मैंने कहा हाँ ये लड़की तो ठीक लग रही है, एक्टिंग ठीक लग रही है, और ठीक है इसको बॉम्बे में बुलाते हैं और देखते हैं। तो फिर इसका हमने मुझे चूँकि परफॉर्मर ये बहुत अच्छी लगी, तो और मुझे लगा नाक नक्शा एकदम वो लाहौरी लड़की लगेगी, तो मैंने फिर इनको बॉम्बे में बुलाया, इनका स्क्रीन